आइए हम दुआ से आज की तकरीब का आगाज़ करते हैं। सब अपनी आँखों को बंद करेंगे। खुदावंद जिंदा खुदा, तुझ नहायत मेहरबान और रहीम है, तुझ कौमों और उम्मतों का रब और खुदा है, और तेरे जैसा कोई भी खुदा नहीं है। तू हर जगह मौजूद है और सब पर निगाह रखता है। हम आज इस तकरीब को तेरे नाम से शुरू करते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे दुआ करते हैं, जिसमें तूने हमें आज़ादी और ख़ुशी बख्शी कि हम हर जगह पर, हर वक्त, किसी भी घड़ी में खुदावंद आज़ादी के साथ अपने तमाम रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। इन तमाम बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू सबको सलामती के साथ यहाँ पर लेकर आया। ऐ खुदावंद, जितने भी मुकर्ररीन आप बातचीत करें, वो सब की सब मुल्क की तरक्की और माशरे की फलाह और बाबूद के लिए हो। तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों से, हमारे कौल व अफ़ाल से इज़्ज़त और जलाल पाए। मसीह खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। आइए हम एक गीत जो है वो खुदावंद के हुज़ूर में गाएंगे। हम ज़बूर नंबर 72 जो है वो गाएंगे। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, रब दी शुक्र गुजारी करो, रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, रहमत सा काश इसराइल, काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले, ओदी ओस्तत विच मुँह खोले, ओदी ओस्तत विच मुँह खोले, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काशाकन मार के नारे, काशाकन मा सदा ती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है रहमत काशाकन ओ हमेशा, काशाकन ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी। बहुत शुक्रिया। और कलाम मुकद्दस का बयान जो है वो बिशप तौकीर इलाही गिल साहब से सुनेंगे, और इससे पहले हम एक दुआ करेंगे और मैं
खुदा के बंदा तकदसवा बिशप बिशप यूसुफ राफा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ जिंदा चलाली और आसमानी बाप, हम आपकी हजूरी में हाजिर हुए हैं ताकि हम तमाम भाई मिलकर आज यौम आज़ादी की तकरीब मना सकें। और ऐ खुदावन, जबकि ये आपने मुमकिन किया कि ये हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हो, और ऐ खुदावन ये मुल्क है पाकिस्तान जो कि आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जना की रहनुमाई में आज़ाद किया, और इसमें तमाम मज़ाहब के लोग शामिल हुए ताकि वो इस मुल्क में रहकर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ऐ खुदावंद, आज की इस तकरीब में आप शामिल हाल होना, और आज जो आपका कलाम पढ़ा जाता है सुनाया जाता है हमारे जहन नशीन हो जाए, हमारे जहनों को रोशन कर और दिलों को मनवर कर ताकि हम अपने मुल्क के पाकिस्तान की खिदमत के काबिल बन जाएं और हमेशा तक इसके वफादार रहें और इस मुल्क की सलामती चाहते हैं। ऐ खुदावंद, आप इस मुल्क में अमन और सलामती को कायम करें, और हम अपने तमाम सरबराहान ममलकत के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए, तमाम वज़राए आला के लिए, तमाम गवर्नर्स के लिए, अदलिया के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, जितने आला औहदों पर फ़ाइज़ हैं, तमाम सियासतदानों के लिए दुआगो हैं कि इनमें ऐ खुदावंद आप यकजहती पैदा करें ताकि ये सब मिलकर इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर तौर पर चला सकें, ताकि इस मुल्क में अमन हो, सलामती हो, और ऐ खुदावंद ये मुल्क तमाम दुनिया में एक नाम पैदा करें कि ऐ खुदावंद, जबकि इसका नाम पाकिस्तान है तो इस मुल्क में पाखीजगी का दौर दौरा हो और तमाम कौमें आपस में सुलह सलूक मेल मोहब्बत और प्यार की ज़िंदगी बसर कर सकें। ये सब कुछ आपके अब्दी जलाली इलाही और कादर नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अच्छी कलाम मुकदस के बयान के लिए बिशप तौकीर इलाही गिल साहब जी। थैंक यू। खुदावंद के पाक कलाम के तकदस के लिए सब मेहरबानी से खड़े हो जाएं। यसाया नबी का सहीफा, उसका 42वां बाब और उसकी 6वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। यहाँ पर जो किताब मुकद्दस में से हमने पढ़ा है, खुदा का कलाम, खुदा में यूँ बयान करते हैं कि मैंने तुझे सदाकत से बुलाया है। यहाँ पर जितने भी खुदा के मुकद्दसीन बैठे हैं, हर एक पर खुदा की निगाह है, और खुदा की निगाह में हर बशर बड़ी इज्जत और कदर रखता है। इसलिए खुश इस बात से होना है कि खुदावन ने मुझे बुलाया है। अगर ज़मीन पर सीएम या प्राइम मिनिस्टर या
कोई और बड़े अहदेदार गवर्नर कोई बुलाता है तो उसकी बुलाहट के लिए जिसको बुलाया जाता है, जिसको दावत दी जाती है और जिसको दावत मिलती है वो फूला नहीं समाता। उसके अंदर एक एक्साइटमेंट है, खुशी है कि मुझे दावत दी गई। और यहाँ पर तो जो बात कही गई है किताब मुकद्दस में, वो तो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है जो पुकार कर बुलाता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अब जिसको बुलाया है वो जिम्मेदारी भी ले रहा है, और जिम्मेदारी क्या ले रहे हैं कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा। इसका मतलब है कि खतरा भी है। अब्लीस और उसकी तासीरें जो खुदा की मुखालिफ हैं वो कब कहाँ खुदा के पास किसी को आने देती हैं, लेकिन जिसको बुलाया गया है उसकी जिम्मेदारी खुदावंद खुद लेते हैं कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। यानी अगर अब्लीस की कोई तासीर तुझे सताएगी, तुझे पकड़ेगी, तो मेरा फरिश्ता खुद ही उससे निपट लेगा, तुझे सलामती से मैं अपने पास ले आऊंगा। और जब कोई शख्स किसी मीटिंग में चला जाता है, बुलाया जाता है, तो मुझे आपसे एक सवाल चाहिए, क्या इज्जत से, प्रोटोकॉल से उनको लाया जाता है? तो क्या जो बुला रहे हैं उनकी इज्जत का तहफ्फुज़ बुलाने वालों पर नहीं है? ऐसे ही है। तो जब खुदा बुलाते हैं तो फिर वो हमारी हर तरह से इज्जत के भी मुहाफिज हैं, हमारे खाने पीने के भी मुहाफिज हैं और हर तरह के मुहाफिज हैं। सिक्योरिटी जो है वो कभी भी मीटिंग में शामिल नहीं होती, सिक्योरिटी का काम है बाहर तक। इसीलिए जब खुदा की हजूरी में बुलाया जाता है तो खुदा की सिक्योरिटी जो है खुदा के लोगों का तहफ्फुज़ करती है, और जब मीटिंग में बुलाया जाता है तो ख़ास एक एजेंडा होता है और खुदा इस एजेंडे के मुताबिक लोगों को दावत देते हैं। और वो एजेंडा क्या है वो ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पर यशायाह नबी के सहीफा में उसका 42 बाब और उसकी 21 आयत है, ये एजेंडा है खुदा का। हमेशा जब कोई भी मीटिंग हो उसका कोई ना कोई एजेंडा ज़रूर होता है। एजेंडा यह है, खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिले तज़ीम बनाए। यह है खुदा का एजेंडा। यानी जब खुदा ने लोगों को इतनी इज्जत दी है और साथ ये कहा कि मैं तुम्हें कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, अख्तियार देता हूं, लेकिन और वो नूर और वो अख्तियार इस सबब से होगा कि आप मेरे एजेंडे के मुताबिक काम करेंगे। और एजेंडा क्या खुदावंद ने दिया कि मेरी शरीयत की बुजुर्गी करें, शरीयत को बुजुर्गी दे। शरीयत है लॉ, कानून। अगर किसी अदारे का कोई कानून नहीं है तो वो अदारा गैर महफूज है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और अगर घर में कोई कानून नहीं है तो घर भी बगैर डिसिप्लिन के है, कोई तरतीब नहीं है। तो यहाँ पर तो खुदा की बात है, खुदा का इंतज़ाम है। गौर करें, सूरज अपने वक्त पर ही निकलता है और अपने वक्त पर ही ग़ुरूब होता है, ज़मीन हमें अनाज देती है, बारिश होती है
और फिर जो कुछ भी खुदा ने ज़मीन पर रखा है वो हमारे लिए है, और हमें ये कहा है कि हम खुदा के कवानीन की क्या करें, पासदारी करें, उसको बुजुर्गी दें। इसी तरह हमारे मुल्क के भी जो कवानीन हैं, अगर हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं तो कोई भी ख़तरा नहीं होता, क्योंकि जब कोई ला को अपनाता है और उसके मुताबिक चलता है तो ख़तरे नाम की कोई भी चीज़ उसके दिमाग में नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक है। और फिर यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उसकी ताज़ीम करें, पहले खुद ताज़ीम करें फिर दूसरों को करवाएं। बाइन इसी तरह हम यहाँ पर जो बैठे हैं आज के दिन एक आज़ादी का हिस्सा है। आज़ादी, अगर आज़ादी है तो हमारे दिल शादमान है, आज़ादी है तो हम खुश हैं, लेकिन अगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा बनाया जाए तो वो अच्छा नहीं। वो तो ऐसा है कि दिखावे के लिए कुछ है और अंदर दिल से वो बेदीन है और बुराई है। इसी तरह खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को कश्तियों की ऊर से, जो तारा का बेटा है, उसको बुलाया कि तू चल मेरे हजूर चल और काबिल हो, तुझ से कौमों के जत्थे पैदा होंगे और तुझ में से बादशाह होंगे। तो ज़हन में ये रखें बात कि आज जो हम भी यहाँ पर बैठे हैं अब्राहम की औलाद बैठी हुई है। मेरे अजीजों, आज का दिन जो 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हुई, तो ये आनन फानन नहीं है, ये कलाम के मुताबिक है। देखें, मैं ज़रा चंद एक बातें सिर्फ आपके 5-7 मिनट लूँगा और चंद एक बातें मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे बाप यानी आदम, आदम जब 130 साल का था तो उससे सेत पैदा हुआ, उसका बेटा। सेत जब 105 साल के थे तो उससे उनका बेटा अनूस पैदा हुआ। अनूस जब 90 साल के थे तो उनका बेटा केनान पैदा हुआ। केनान जब 70 साल के थे तो उनका बेटा महलल एल पैदा हुआ। महलल एल जब 65 बरस के थे तो उनसे यारत पैदा हुआ, और यारत जब 162 साल के थे तो उनसे हनूक पैदा हुआ। हनूक जब 65 बरस के थे तो उनसे मतुसला पैदा हुआ। मतुसला जब 187 यानी 187 साल के थे तो उससे लमक पैदा हुआ, और लमक जब 182 साल का हुआ तो उससे नूह पैदा हुआ। और जब नूह का तूफ़ान आया तो नूह की उम्र थी 600 साल। तो इन सब को काउंट किया जाए तो टोटल बनता है 1656 साल। अब 56वां साल जो है ये कंटिन्यू है, इसे कभी काउंट नहीं किया जाएगा। इससे पहला साल जो है जो मुकम्मल हो चुका है उसको काउंट किया जाएगा। तो जब इन सब हिस्सों को काउंट किया जाए आदम से लेकर नूह तक, तो नूह के तूफान तक किया जाए तो ये 1655 साल बनते हैं। फिर नूह के तूफान से अब्राहम की पैदाइश, जिससे सारी कौमें कहलाती हैं, वो है 292 साल। अब इनको जब जमा किया जाए 1655 को और 292 को तो ये बनते हैं 1947। क्या बनता है? 1947
47 तो अब्राहम को इसलिए पैदा किया गया, इसलिए लिया गया कि लोग गुनाह से निकलकर खुदा की तरफ लौट आए और गुनाह से उनको आज़ादी मिली। इसलिए ये आज़ादी का साल आनन फानन नहीं है, ये हमारे बाप अब्राहम की पैदाइश का साल है, सन 1947 ये उनकी पैदाइश का साल है और आगे उन्हीं से कौमें चली हैं। और फिर मसीह यीशु के यानी मसीह यीशु के यानी कबलस मसीह 1950 साल अब्राहम की पैदाइश हुई है, यानी ये भी जो है इसको अदद ताम कहते हैं और अदद ताम में 47 हो 45 से ऊपर हो तो वो हमेशा 50 गिना जाएगा। तो इस लिहाज से ये जो साल है 1947 ये आनन फानन नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान क्यों 1947 में वजूद में आया इसको मैं बयान करने लगा हूँ। जेन में रखें, अक्सवीरिस बादशाह के दौर में 127 सूबे थे और जिस सूबे में हम रह रहे हैं इसे कहते हैं सूबा एलाम। एलाम जो है ये नू के बड़ा बेटा जो था सिम, ये सिम के बेटे का नाम इलाम था और ये पूरा पाकिस्तान, इंडिया का पंजाब पहला हिस्सा, ग्वादर ईरान का पहला हिस्सा, बलूचिस्तान, ये एक सूबा है सारा और इस सूबे का नाम है एलाम। तो बाप अब्राहम जो है इस सूबे से ही, क्योंकि बाबल में बाबल से थोड़ा सा आगे ये कश्तियों की ऊर है, बाबल अराक को कहते हैं, कश्तियों की ऊर है, वहाँ से वो निकले और फिर आगे यहाँ पर आए और इस सारे सिलसिले में इस जगह को मुकद्दस ठहराया गया ताकि यहाँ पर नजात का काम हो, ज़िंदगी का काम हो। और आप गौर करें ज़रा थोड़ा सा, क्या पाकिस्तान में ज़्यादातर यही हिस्सा नहीं कि लोग खुदा की इबादत करते हैं, चाहे जैसे मर्जी करते हैं, हाँ? हर कौम, हर कबीला, हर मज़हब का बंदा क्या खुदा को नहीं भी पुकारता? पाकिस्तान में ज़्यादा ऐसा होता है, इसलिए पाकिस्तान का नाम रखा गया है पाक लोगों के रहने की जगह। तो जैसे यहाँ पर करप्शन, दूसरा तीसरा ये काम है, अगर यहाँ पर खुदा के लोग ना हों तो ये खिता कायम ना रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस खित्ते को आज तक किसी ने फतह नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर खुदा के लोग रहते हैं, पाक लोग रहते हैं जो अपने हाथ उठाकर खुदा से रहम की अपील करते हैं। इसलिए हम पाकिस्तान पर फख्र करते हैं, खुश हैं कि ये खिता खुदा ने अपने लोगों को दिया है, पाक लोगों को दिया है, ताकि इसका नाम क्या हो, पाकिस्तान। शायद शाह साहब जानते होंगे या और जो बुज़ुर्ग बैठे हैं वो जानते होंगे और भी हैं, आपको पता होगा वन यूनिट थी अयूब के दौर में, वन यूनिट थी और वन यूनिट में क्या था, सब सिर्फ पाकिस्तानी थे और कुछ नहीं था, हर एक बशर अपनी अपनी हदूद में अपने अपने मज़हब के तालक में इबादत करते थे, लेकिन कहलाए क्या जाते थे, पाकिस्तानी। आज भी यही हिस्सा है, हम सबसे पहले क्या हैं, सब पाकिस्तानी। हमारी कौमियत क्या है, पाकिस्तान। जहाँ भी जाएंगे हम क्या कहलाए जाएंगे, हम पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे। इसलिए जब हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना चाहिए, दुआए खैर के खुदावंद तेरी सलामती इस पाकिस्तान पर रहे। इसलिए खुदा ने पाकिस्तान को अपनी हजूरी में बुलाया है, क्योंकि खुदा के कलाम में यर्मिया चैप्टर 49 में ये बात लिखा है कि मैं अपना तख्त इलाम में रखूंगा, तो इलाम का खिता यही पर है।
एक गोरा आया था, मैंने उससे बात की तो कहने लगे, मैंने कहा आप पता क्यों आए हैं? कहते क्यों आए हैं? मैं कहा सफाई करने आए हैं। वो उसको गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा अभी कलाम पढ़ते हो? मैंने कहा चलो आज मेरे साथ पढ़ो। कहता मैं सदर हूँ 8 मुल्कों का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, जब कलाम पढ़ा तो जब कलाम में से देखा कि खुदा ने कहा मैं अपना तख्त इलाम में रखूँगा, तो मैंने उसको समझाया कि इलाम ये है खुदा का तख्त। इसलिए आप आए हैं कि लोगों को खुदा का कलाम दे और गंदगी को, गुनाह को, लानत को ख़त्म करें। वो बंदा तो उठकर खड़ा हो गया और एकदम बोल उठा, यू आर जीनियस। मैंने उसे कहा यस आई एम जीनियस बिकॉज आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट। बात यह है हम सब यहाँ पर हैं, अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक गुजारिश हो, पाकिस्तान के लिए सिंसियर हो, सच्चाई से करें, थोड़ा करें या ज़्यादा करें, एक दूसरे की भलाई करें, नेकी करें। हमें नेक अमाल के लिए बुलाया गया है, हम अपना हिस्सा अदा करें। और जब खुदा के हुजूर में भी जाएंगे ना तो लिखा के हर एक अपनी मेहनतों से अजर पाएगा और आराम पाएगा। इसलिए आइए हम खुदा के इस खित्ते के लिए हम खुदा का क्या करें, शुक्रिया अदा करें। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा उनके लिए जोरदार क्लैप करें। आइए हम आखिरी दुआ करेंगे और मुल्क की सलामती के लिए और बरकत के लिए दुआ करेंगे। और ये दुआ हम बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन तकदस मा बिशप यूसुफ सोहेल साहब के साथ करेंगे, डॉक्टर यूसुफ सोहेल साहब के साथ, और बाकी हम सब उनके साथ आमीन कहते जाएंगे और सब अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे उनके साथ। आए हम अपने आप को खुदा उनकी हजूरी में महसूस करें और उस रब जलील का शुक्र अदा करें जिसने आज आपके लिए, मेरे लिए मुमकिन किया कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको धन्यवाद कह सके। और आज अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की 75th सेलिब्रेशन कर सके इंडिपेंडेंस डे के हवाला से। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्र अदा करते हैं तेरी इन रहमतों के लिए जो तूने हमारे लिए रखें। और आज खुदावंत तूने यह मौका दिया कि हम भाई बहम इकट्ठे होकर तेरे इस बेपाया बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा कर सकें, क्योंकि खुदावंत आज तूने सिखाया कि ये पाक सरजमीन जो है इसकी बुनियाद आपने बहुत पहले से रखी हुई है। और वापस माने यही वजह है कि आज जबकि हमारे दुश्मन दांत निकोसे खड़े हैं और हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन तूने पाकिस्तान को लावारस नहीं छोड़ा बल्कि अपने लोगों को डिप्यूट किया, चाहे वो पाक आर्मी हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारी फ़ज़ाइया हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे जितने भी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अंदर तूने अपने वो लोगों को डिप्यूट किया। और उसके साथ साथ तूने ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को डिप्यूट किया, पब्लिक में अपने लोगों को डिप्यूट किया जिनके वसीला से तू इस मुल्क की हफाजत करता है। और बापस्मानी हमारा ईमान है कि जब तक तेरा नाम है ये पाकिस्तान मजबूत रहेगा, आज़ाद रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इस पर फतह नहीं पाएगी, क्योंकि ये तेरे हाथों से तैयार हुआ है। बापस्मानी हम लोग जो यहाँ पर बसते हैं तो हमें और हिकमत और दनाई दे, हमें अच्छे लीडरशिप मुहैया कर, चाहे वो मजहबी हो चाहे सियासी हो बापस्मानी, क्योंकि अच्छा लीडर ही अपनी कौम की नुमाइंदगी करता है, अच्छा लीडर ही अपने लोगों को लेकर चलता है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में हम मुकद्दस मूसा के बारे में जानते हैं कि खुदावंद उसने किस तौर से
जब खुदावंद आपने उसको चुना तो उसने अपनी कौम को ग़ुलामी से निकाला और उस वक्त के इस्तमरार मिस्री हुकूमत से उसने उसको नजात दिलाई। बाप आसमानी, आज हम भी तेरी तरफ़ देखते हैं। तू हमारी लीडरशिप में खुदावंद मुकद्दस मूसा की तरह लीडर पैदा कर जो अपने लिए नहीं अपनी कौम के लिए दर्द रखते हों, जो खुदावंद अपने मफादात के लिए नहीं बल्कि कौमी मफादात के लिए सोचते हों। वापस मानी, मेरा ईमान है कि तू रास्तबाजों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। आज हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी गर्दनों को झुकाकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम तेरी वदानियत पर यकीन रखते हैं। और बाप आसमानी, एक तू ही है जो सब कुछ करता है, तू कहता है तो हो जाता है। बाप आसमानी, आज इस प्रोग्राम के हवाले से, इस जश्न आज़ादी के प्रोग्राम के हवाले से, तू हमें ना सिर्फ मुल्की तौर पर इंटरनेशनल तौर पर आज़ाद करता है और रखेगा, बाप आसमानी हम चाहते हैं कि तू हमें अबदियों से भी आज़ाद कर, हमें अबलीस के हथकंडों से भी आज़ाद कर, हमें अपनी पर्सनल सोचों से आज़ाद कर, ताकि हम एक वादियत में तेरे लोगों के लिए, तेरी कौम के लिए सोचें और बाप आसमानी जो फैसला करें वो उस पर तेरी ताइद चाहते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने निजात दिंदा खुदा यीशु मसीह के वसीला से, सुन और बख्श दे, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का शाकर रफाकत आपसे लेकर कुल ईमानदारों के साथ, तमाम आलमी कलीसियों के साथ और खुसूसी तौर पर इस हाजिर जमात और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अकवाम पर हमेशा हमेशा होते रहे और खुदा बाप इन सब पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए, आमीन। बाप बेटे और कुदस के नाम से। हमने दुआ का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल किया है और इसके बाद मुख्तसरन, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो उससे हम एक घंटा लेट हो गए, अब इजहार ख्याल और कुछ भी जो है मुल्क के बारे में या अपना करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा अपने इलाके के चेयरमैन साहब को, एडवोकेट हाई कोर्ट तारिक जुए तारिक साहब को, जो कि हमारे हरदिल अजीज़ हैं और हमारे मोहतरम हैं, उनको, हाँ जी, साहब का नाज़िम है, तो उनको दावत दूंगा आपकी ज़ोरदार तालियों में कि वो खड़े होकर अपना इजहार कीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा सलाम हो। आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, 75वां। बात यह है कि आज़ादी तो हमने ले ली, लेकिन आज़ादी को हमने कायम कैसे रखना है और आज़ादी के फल क्या हैं, आज़ादी से फ़ायदा क्या है, वो अभी बाकी है। अभी बिशप साहब ने कलाम पेश किया, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ी हैरत भी हुई कि आपने किस तरह इसको साबित किया कि आपने हज़रत आदम से लेकर और यहाँ तक आपने जो अदती तौर पे इसको साबित किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम पाकिस्तानी यहाँ पे जो रह रहे हैं, हम बड़े ख़ास लोग हैं, हम पे खुदा की बड़ी रहमत है। और सच्ची बात भी है, ऐसा है भी कि हम गरीब होने के बावजूद एक आटमी कुवत हैं जो एक सिंबल है दुनिया में ताकत का और अपनी आज़ादी का। तो मैं दोबारा इस बात पे आता हूँ कि वो जो आज़ादी के फल हैं जिसलिए हम आज़ाद हुए थे, ये अफसोस है कि अब हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। जो लोग पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे थे, बुज़ुर्ग हो गए हैं, जो 75 साल से बड़े हैं, हमने उनसे पहले पूछा, वो बड़ी तारीफ़ें करते थे अंग्रेज़ के दौर की, कि तब यहाँ पे ये होता था, वो होता था, एक बकरी के गले में सोने का कोई घंटा या कोई चीज़ बांधते थे तो कोई पकड़ नहीं सकता था, और लोगों को बड़ी आज़ादी थी, लोग बड़े खुश थे। ठीक है, वो बात अपनी जगह, लेकिन हम जो यहाँ पे बस वो सोचते ही हैं, सुनते ही हैं कि ऐसा कभी होता होगा, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को हमें क्या करना है? अगर हम अपने हुक्मरानों को देखें, जिस तरह आज एक अफरा तफरी का आलम है,
मैं समझता हूँ कि आज भी एक जंग लगी हुई है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है कि कफरत तफरी है। मैं अपनी एक जमात का बड़ा पक्का कारकुन हूँ, मैं नून लीग का हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे अपने पाकिस्तानी लोगों से बड़ा प्यार है, अपने मुल्क से बड़ा प्यार है। मैं अपने लोगों के लिए चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई तब्दीली आए। आप यकीन करें कि जब इमरान खान आए थे ना 18 को, तो मैं अगरचे हमारी पार्टी के साथ ज़्यादती हुई, कुछ भी हुआ, चले हम तो कहते हैं ज़्यादती हुई, दूसरी पार्टियाँ कहेंगी नहीं ज़्यादती हुई, लेकिन चले मान भी लेते हैं, तो भी मैं दिल से बड़ा खुश था कि चलें शायद कोई तब्दीली आए, मुल्क में अच्छा कानून आ जाए, मुल्क में आयन की पासदारी हो, मुल्क में लोगों को इंसाफ मिले, मुल्क में जो गरीब लोग हैं वो खुशहाल हो जाएं। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारी सारी की सारी पार्टियां, मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता, शायद कुछ सिस्टम इस तरह था या क्या था कि जब से पाकिस्तान बना है कितनी वजारतें चेंज हुई, कितनी पार्टियां आई, कभी आर्मी आई, कभी हमारी दूसरी पार्टियां आई, लेकिन कोई सम्राट नहीं मिल रहे। वो जो इंडिपेंडेंस, वो जो आज़ादी के सम्राट थे, जो सोचा था कायदे आज़म ने, वो अभी तक कुछ नहीं हो सका। अभी दो दिन पहले हम 11 अगस्त को मना रहे थे यौम अकलियत, तो मुझे अपने बानिए पाकिस्तान की तकरीर याद आती है, आप सबको याद होगी कि यू आर फ्री टू गो टू योर चर्च, यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, एंड यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, एंड अ टाइम विल कम व्हेन यू विल सी मुस्लिम मान विल नो मुस्लिम एंड हिंदू विल नो रिमेन हिंदू, नॉट रिलीजियसली बट पोलिटिकली। कि ऐसा वक्त आएगा कि हिंदू हिंदू यहाँ नहीं रहेगा, मुसलमान यहाँ पे मुसलमान नहीं रहेगा, सबको आज़ादी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो शिया सुन्नी की तमीज़ नहीं ख़त्म हो रही, यहाँ तो पंजाब और सिंध की तमीज़ नहीं ख़त्म हो रही, यहाँ तो बड़े छोटे का यहाँ पे तसव्वुर नहीं है, यहाँ तो डिफेंस में रहने वाले लोग ही होना बाद के लोगों को कुछ समझते नहीं है, चाहे वो मुसलमान है चाहे मसीह है। बड़ा अजीब सा तफरका है, बड़ी अजीब सी एक डिवीजन है, अजीब सा। मैं हालांकि कनूतियत पसंद नहीं हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं बड़ा मैं रोशन ख्याल हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन दुख होता है सोच के कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। ना वो आयन की पासदारी कर रहा है, हर पार्टी दूसरे को बुरा कह रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। चले जमहूरियत को हम कहते हैं कि जमहूरी सिस्टम जो होता है उसमें दो पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टीज, और इब्राहिम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों की हुकूमत लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए से, ये है जमहूरियत। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम सब इकट्ठे हूँ, जमहूरियत में इकट्ठे होना कोई बात नहीं है, अलग अलग हूँ, जैसे कि दूसरे मुल्क जो जमहूरियत जहाँ पे है अमेरिका में या इवन के हमारे इंडिया में, एक पार्टी बरसरे इकतदार होती है, वो इलेक्शन करवाती है, दूसरे लोग उसको मानते हैं। अभी यहाँ पर बीजेपी ने हुकूमत की है, साथ इलेक्शन कराया, दूसरों ने मान लिया, किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे कोई घपला हुआ है। यहाँ पे तो अजीब इत्तेफाक है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी आज़ाद है कहने को, लेकिन दूसरी पार्टियाँ मानती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेईमानी होती है। ये अफसोस वाली बात है कि हम दूसरों पे इत्माद ही नहीं करते हैं। आप अगर नून लीग के हैं ना, देखेंगे आप कहेंगे नून लीग के फरिश्ते हैं सारे, और अगर आप उनको देखें पीटीआई वाले या दूसरी पार्टियों वाले, वो अपने लीडरों को फरिश्ता समझते हैं और उनकी अंधी तकलीद करते हैं। अब मैं कोई डॉक्टर शबाज़ तो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि आप लोग तकलीद ना, अब दूसरों की तकलीद ना करें, आप अपने जो हुक्मरानों के या अपने जो बड़े आप उनका हुक्म ना माने, लेकिन अजीब सी कशमकश है। आप मेरी बात भी सुन रहे हैं कि मेरी तकलीद भी बड़ी मुंतशर है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से बात करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे बैठे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी आप इनको ना दें, ये तो प्रोफेशनल है। अच्छा, प्रोफेशनल भी लोग होंगे भाई कुछ, लेकिन बहुत से लोग बेचारे वाकई बेयारो मददगार हैं। बहुत से लोग बेचारे जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से कपड़े लेके पहने हैं, घर में कैसे चूल्हा जलता है, घर में क्या हालात है। मैं एक वकील हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं नॉर्मल से हालात से रह रहा, मैं नहीं बड़ा खुश कि मेरे पास बड़े पैसे, मैं अमरीका में भी रहा, हम प्रॉपर्टी का कारोबार भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशली मैं बहुत कमज़ोर हूँ, यकीन करें। मैं मतलब मेरे पास गाड़ी भी है, लेकिन फिर भी एक तरह से ना वो है, मतलब ना कोई तहफ़ नहीं है, एक तरह से खौफ सा है, पता नहीं क्या होना, कल क्या होना है, हमारे बच्चों की फीसें कैसे पूरी होंगी, क्या करेंगे हम। सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी से मांग भी नहीं सकते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, यकीन करें। सुबह कचहरी, अब आजकल छुट्टियां में, लेकिन छुट्टियों में भी मैं कचहरी जाता हूँ कि चलें कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हम हैंड टू माउथ हैं, और वो लोग जो हमारे घरों में काम करने वाली औरतें, हमारे घर में एक औरत काम करती है 10,000, वो उसको तनख्वाह देते हैं हम,
दो तीन घरों में और करती है बेचारी, पता नहीं दो दो चार चार हज़ार कमाती है, हर घर में ऐसा ही है। आप उनके हालात देखिए वो क्या कर रहे हैं। तो इस सारे के जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो हम सब जो बड़े हैं, अगर मैं भी बड़ा हूँ तो फिर मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क को चलाना है, जो मुल्क के जो रिश्वत खा रहे हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। आप किसी पटवारी के पास चले जाएं, मैं पटवारियों के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसा बन गया, उनके पास जाएं, वो एक आप उनसे फ़र्द लें, वो आपसे 10,000 मांगेंगे, 20,000 मांगेंगे, बल्कि पहले कहेंगे ओहो इसका तो ये नहीं, इसका तो अमल दरामद नहीं हुआ, 50 नुक्स निकाल देंगे। जब उनसे बात करो भाई ये क्या बात है, कहते यार हम क्या करें, नायब तहसीलदार को पैसे देने हैं, तहसीलदार को पैसे देने हैं, उसके बाद डिप्टी तक पैसे जाते हैं, ऊपर तक कमिश्नर तक पैसे जाते हैं, किसी पुलिस वाले की बात कर लें आप, किसी सिपाही की बात, SHO की बात कर लें, वो भी यही रोने रोएगा, वो कहेगा जी हम पीछे पैसे भिजवाते हैं क्या करें। मुल्क में अजीब तरह सा, लेकिन ये पाकिस्तान में ही है, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। लोग वहाँ पे, अब बहुत से लोग बाहर गए होंगे, जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, मैंने वहाँ देखा है फ्राइडे को लोग इंजॉय करते हैं, जैसे वहाँ पे कोई ईद हो रही है, शबरात हो रही है, इंजॉय करते हैं। मैंने हर फ्राइडे को वहाँ लोग देखा है कि दो दिन के लिए छुट्टी होती है, लोग मौजें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को लोग पता नहीं क्या खुशियाँ मना, जैसे शादी हो रही है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में सब कुछ है। लोग हॉलैंड में देख लें, लोग गमलों में फूल उगाते हैं, पूरी दुनिया में बेचते हैं, हमारे पास तो इतनी ज़मीन है, आप चोलिस्तान में जाएँ हज़ारों लाखों एकड़ पड़ी हुई है, कोई पूछता नहीं है, कोई काम ही नहीं करने वाला। यहाँ पर यह है कि एक बंदा जीत गया, दूसरा उसकी टांगे उठाना शुरू कर देता है, उसकी टांगे खींचना शुरू कर देता है। चले खैर ये तो हमारे रोने ही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मगरब ने तरक्की की है ना, कोई मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जब वो उसका जो सिस्टम है, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बेहतर व मजबूत हो। अगर यहाँ पर जमहूरियत ठीक हो जाए ना, तो जमहूरियत जो है ना वो सब की है, जमहूरियत सब की सांझी है। जमहूरियत में हर बंदे को सम्राट मिलते हैं, हर बंदे को अच्छी तनख्वाह मिलती है, हर बंदे को खाना मिलता है। अब यहाँ पर कोविड गुजरा है तो मगरब में देखो लोगों के घरों में खाना पहुँचता था, लोगों को चेक मिलते थे। हमारे मुल्क में क्या है, भूखे बेचारे और भूखे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, अगर यहाँ पे सिस्टम अच्छा आ जाए, यहाँ पे हमारा सियासी निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारी पार्टियाँ कुछ अच्छा काम करें, सिस्टम बेहतर हो जाए, कोई आयन की कानून की पासदारी हो, तो हम अच्छे हो सकते हैं। जैसे बिशप साहब ने कहा, मैं सब समझता हूँ कि एक ही होप हमारे पास है, खुदा को देखें, खुदा पर हम भरोसा करें, उससे दुआ मांगें, क्योंकि कहते हैं कि ईमानदार की दुआओं से क्या होता है जी। और मसीहा ने कहा था कि पहाड़ों से भी कहो तो वो भी जो है वो समंदर में आ जाएगा। दुआ करें, यकीन से, ईमान से दुआ करें कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारे मुल्क को खुदा बेहतर करे, यहाँ पे गरीबों को, यहाँ पे यतीमों को, बेवाओं को, और वो बेचारे जो बेसहारा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको रोटी मैसर आए, उनको खुशियाँ नसीब आएँ, उनकी ज़िंदगी एक दफ़ा आनी है, बार बार तो आनी नहीं है। कुछ लोग बेचारे सारी ज़िंदगी धक्के खाते हैं, हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए काम करें, खुदा हमारे मुल्क के लिए अच्छा करें। मेरी तरफ से मेरे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सर, यकीनन आप एक बड़े काबिल, बहुत पढ़े लिखे और बारोज़गार लॉयर हैं, तो आपकी ये हालत है तो वाकई आम आवाम की क्या हालत होगी। मैं ख़ुद जब सोचता हूँ कि हमारे जो हमसे भी जो नीचे लोग हैं, वो कैसे, मैं सोचता हूँ कि वो कैसे ज़िंदगी बसर करते होंगे। यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है। चले हम अब इसके बाद आपकी भरपूर तालियों में इज़्ज़त पाब जनाब नईम गुजर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, हम उनको बड़े इज़्ज़त से दावा करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं ह्यूमन राइट्स के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आमिर शाह साहब इजहार ख्याल करें पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से। जावेद आपको बरकत दे। ये देखिए आने वाले तमाम दोस्तों को सबसे पहले मेरी तरफ़ से मुबारकबाद हो कि इस इवेंट पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो तौकीर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन एक थोड़ा सा गिला है कि तौकीर साहब ने हमें कोई थोड़ा सा ब्रीफ़ नहीं किया कि आज की जो हमारी हमारी जो आज की मीटिंग या कॉन्फ्रेंस है वो किस हवाले से थी। हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तौकीर साहब ने जनाब
चेयरमैन साहब को पुरजोर अपील की कि आप यहाँ पर आएँ, तो आज हमें पता चला है कि इंडिपेंडेंस डे के लिए सब लोग दोस्त इकट्ठे हुए हैं। बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये हमारे मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने बात की, बहुत सारे उन्होंने जो इस मुल्क की तकलीफ़ें हैं उस पर बात की, क्योंकि हम खुशियाँ तो मनाते हैं और खुशियाँ का इजहार भी करते हैं और वाकई ये 14 अगस्त हमारे लिए खुशियों का दिन है, लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात हैं उसके मुताबिक हम देखें तो लोग बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ में, बहुत मुश्किलात में हैं। बहरहाल हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इसी मुश्किलात को देखते हुए एक छोटी सी जो हमारी काविश है, जो BHRICP जिनके चेयरमैन हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं जनाब सज्जाद भट्ट साहब, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो इदारा है, उसका मकसद भी यही है। ये समाजी कारकुन की हैसियत से हम काम करते हैं इस इदारे में, और ये गुरबा मसाकीन और वो लोग जो हक पर होते हुए मजलूमियत का शिकार हैं और उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, हम उनकी एक मज़बूत आवाज़ बनते हैं। तो इस दिन के मुनासबत से मैं आप सब लोगों को भी पाकिस्तान की 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूं और तफसील से डिटेल में जो भी कुछ है इस मामले में वो डिस्कस हमारे चेयरमैन साहब करेंगे, क्योंकि इनके होते हुए हमारी क्या जसारत। तो मैं चाहूँगा कि तौकीर साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन साहब से कुछ दो अल्फाज सुन लें तमाम दोस्तों के लिए और इस दिन के हवाले से। आप सब लोगों का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। आप सबकी भरपूर तालियों में ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन को दावत देंगे कि वो अपना इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ीन हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत मुबारक इंडिपेंडेंट डे की। एक्चुअली शाह साहब ने बड़ा मफसल तरीके से उन्होंने बता दिया कि हमें बिल्कुल भी आगाही नहीं थी कि किस किस्म का इवेंट है, तो बड़े इमरजेंसी में, बल्कि सेम डे, यूं कहें कि आज ही हमें और हमारे बहुत सारे काम थे जो कि करने वाले थे, वो सब हमें तौकीर साहब के लिए पोस्टपोन करने पड़े, और पोस्टपोन करके हम इनके हमारे लिए ये इज़्ज़त की बात है, हमारे लिए ये खुशी की बात है कि तौकीर साहब ने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। उसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एजेंसी की तरफ से। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस कम लोगों को है, हमारी लिटरेसी रेट जो है वो बड़ा कम है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब लोगों को अवेयर करना ये हमारी पहली ड्यूटी है, जैसे कि अमर बिल मारूफ और नहनल मुनकर की बात है। तो एक्चुअली हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है, वो है खिदमत इंसानियत। किसी मजहबी या किसी सियासी प्लेटफॉर्म से वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद ऑल ऑफ देम। हमारा कंसर्न इंसानियत के साथ है, इसी में आज़ादी भी आ जाती है, इसी में मज़हब भी आ जाता है, इसी में सब कुछ आ जाता है। अलिफ लाम मीम से लेके सीने वन नास तक के 30 सिपारों का कुरान का जो मतन है, बाइबल का जो मतन है, ग्रंथ का जो मतन है, यहूदियों की किताब का जो मतन है, और वो एक ही है। अगर 1,24,000 पैगम्बर आए हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इस्लाह इंसानियत, फलाह इंसानियत। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का भी यही मकसद है, इस्लाह इंसानियत और फलाह इंसानियत। यही हर मज़हब, यही हर इंसान के लिए वाजिब है। तो अब थोड़ी सी बात ये कि आज माशाल्लाह से, चूँकि तौकीर साहब से मेरी पहले तफसीलन मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इनको दावत दी कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारे पास आएँ, देखें, इनकी मेहरबानी, ये हमारे पास आए, इन्होंने आके ज्वाइन किया, बाकायदा फॉर्म साइन किया, और ये अब मैं इनको ये आपकी भरपूर तालियों में और आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि तौकीर साहब बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाहौर के इस वक्त मजहबी और फलाही अमूर के इंचार्ज हैं, और ये
बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 1997 में इसका निफाज किया गया यूएनओ की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती ये कि 1997 से लेके सन 2014 तक ये इदारा सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रहा है, इसको पनपने का मौका नहीं दिया गया। हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में जो कमीशन है या कराची में जो हमारा हेड ऑफिस है, उसका मतलब बैठने का ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे वो सूबाई हो चाहे वो मुल्की हो, वो इंसानियत के खिलाफ इंसानियत के मुखालिफ कोई कानून ना पास कर सके। इसीलिए यूएनओ की तरफ से पुरजोर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जोर दिया गया कि आप बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का निफाज करें। तो 1997 में इसका निफाज हुआ इस्लामाबाद में, लेकिन सन 2014 तक ये महदूद रहा इस्लामाबाद तक। जब यूएनओ को दोबारा रिपोर्ट्स गई कि अभी तक सन 1997 में बनने वाला इदारा अभी सन 2014 तक इस्लामाबाद तक महदूद है और इसको सूबाई सतह तक रसाई नहीं दी जा रही, तो उनकी तरफ से एक एलिगेशन आया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबाई हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी मुश्तरका जजमेंट के साथ इस बात को क्लियर किया गया कि बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, हम इंटरनेशनल हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मतहत नहीं हैं, हम यूएनओ के मतहत हैं। हम अगर इंसानियत के खिलाफ कोई किसी के साथ जुल्म करता है, कोई बेवा है, गरीब है, मस्कीन है, बीमार है, उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। सिटी लेवल पे किसी को अप्रोच चाहिए, सूबाई लेवल पे चाहिए, मुल्की लेवल का कोई मसला है या इंटरनेशनल लेवल का कोई मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद कदूस की बरकतों से हम इस बात के अथॉरिटी हमारे पास कि हम उसकी जहाँ तक आवाज़ हम पहुँचा सकते हैं, इवन के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, प्रेसिडेंट हाउस तक, सीएम हाउस तक हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो मैंने इस हयला खैरुल अमल की दावत जो है ये मैंने तौकीर साहब को दी और मुझे बड़ी खुशी हुई इनके साथ मिलके, इनके जज्बात देख के, इनका एटीट्यूड देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इनकी मेहरबानी, आज इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, यहाँ पे हमें बुलाया, आई एम सो हैप्पी टू सी देम। तो उसमें यह है कि 1997 में बनने वाला इदारा सन 2014 तक इस्लामाबाद में महदूद रहा। अब इसका आज से 3 साल पहले पहली कैबिनेट जो इस्लामाबाद से बाहर बनी वो सिंध में बनी। सिंध इस टाइम एक्टिव है, पूरे सिंध में हमारे जो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं आसफ इजाज साहब वो इस वक्त कराची हेड ऑफिस में बैठते हैं। हमारा जो यूएनओ का कमीशन है, बेसिक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो कमीशन है वो इस्लामाबाद में बैठता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मनसब पाक परवरदिगार ने, खुदावंद कदूस ने अपनी बरकत और रहमत से मुझ जैसे नाचीज़ को अता किया। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैं बड़ा हकीर सा बंदा हूँ, बड़ा मस्कीन सा आदमी हूँ, इतना बड़ा पंजाब है, आपने क्यों मुझे पंजाब में चुना, और बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं पंजाब में, तो वो कहते हैं यस, लेकिन हमारा एतमाद आप पे है, हमारा यकीन आप पे है, हमें पता है कि आप इस ओहदे का, आप इस डेजिग्नेशन का मिसयूज़ नहीं करेंगे, आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा एतमाद आपके साथ है। लिहाजा चूँकि ये इंसानियत की फलाह के लिए है, इंसानियत की खिदमत के लिए है, लिहाजा इसको हम आपको हम इसका जो है ना चेयरमैन मुकर्रर करते हैं। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, आज 2 साल हो गए हैं मैं पंजाब का चेयरमैन हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैंने चूँकि तौकीर साहब को बल्कि ये दावत दी थी कि आपके जो प्यारे लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह विद रिस्पेक्ट। और उसमें ये है कि अभी ये लाहौर के जो है ना मजहबी और रफाई काम के लिए इनको सेलेक्ट किए गए लाहौर के, वेरी सून इंशाल्लाह इन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये सूबाई लेवल तक आएंगे, आई होप सो इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ये है कि इन द लास्ट वर्ड्स आई ऑलवेज प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, व्हेनेवर यू गो, व्हाटएवर यू डू, माय ऑल द बेस्ट विशेस ऑलवेज बी विद यू, थैंक यू वेरी मच। गुड विशेस के लिए और उनके एक बड़े काम के लिए और बड़े चुनाव के लिए आज जिसमें सजाद अली साहब जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब आखिरी अल्फाज के लिए हम बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन
डॉक्टर बिशप यूसुफ सहेल साहब को दावत देंगे कि वो आखिरी खताब जो है वो करेंगे हम सब से, और इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, खाना खाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपकी ज़ोरदार तालियों में। बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मेरे और मेरे रुफ़ाकार की तरफ से, और बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मसीहों की तरफ से अहले वतन को बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। यहाँ पर आपका टाइम थोड़ा लेते हुए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहली, मेरे मुझसे पेशर मुकर्रर साहब ने कहा कि पहले शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, लेकिन अब अफरा तफरी का दौर क्यों है? तो सर, इसकी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस में मकाशफा की किताब में इसके बारे में बड़ी दिलेरी से लिखा गया कि जब सातवीं मोहर खोली जाएगी तो, या इससे भी हम पीछे चलते हैं कि जब आसमान पर खुदा के फरिश्तों और अबलीस के फरिश्तों के दरमियान मुकाबला हुआ तो क्या हुआ? खुदा के फरिश्ते गालब आए और आसमान के फरिश्तों को, जो ज़मीन के फरिश्ते हैं, अबलीस के फरिश्ते, उनको ज़मीन पर फेंक दिया गया। जनरल साहब की तौकीर साहब ने अददी हवाले से बात की, तो अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो अगर आप पूरी बाइबल को एक तरफ रख कर न्यूमरोलॉजी को उसके साथ मिलाएं, तो जो आखिरी लड़ाई लड़ी गई ऊपर आसमान पर फरिश्तों, अबलीस की और खुदा के, वो 1914 में हुआ वाक़, और 1914 के बाद पाकिस्तान से क्या बल्कि पूरी दुनिया से अमन को खींच लिया गया। अबलीस के पास वक़्त बहुत कम है, इसलिए अब वो पूरी दिलेरी के साथ, पूरे ज़ोर के साथ कौमों के दरमियान अपने लोगों की तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम इंसान ये जानते हैं कि हमने एक दिन मरना है, लेकिन हम अपने मरने की फ़िक्र नहीं करते। लेकिन अबलीस को पता है खुदा की पावर का, और इस बात का भी, को जो वो कहता है वो होता है। उसके पास पता है कि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए अब वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो काम कर रहा है। और मसीह यसू ने फरमाया था, जब उसको शागिर्दों ने पूछा कि आखिरी वक्त कब आएगा, तो उसने उसकी तीन चार निशानियां बताएं, तो उसने कहा बहुत सारे झूठे नबी आ जाएंगे, ठीक है, मोहब्बत आपसे जुदा कर ली जाएगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, आप अपने सिनेरियो को देखें, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से ये अफरा तफरी का दौर है, और इस वक्त जो दुआ मांगनी चाहिए वो यही है कि हमें खुदा अपने ऊपर अमान रखने की सलामती जो है वो बख्शे, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे, बड़े बड़े लोग गुमराह हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं, जैसे कि आप इल्मिनाटी को देख रहे हैं, मैं बड़ा मुहरक रहा बैनुल अक़वामी मज़हबी आमांगी का, और मैंने ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बात की, वहाँ पर मुझे खुदा ने मौका दिया। एक दिन खुदा ने मुझे बताया, आप भलाई का काम समझ के कर रहे हैं, लेकिन ये तो अबलीस का एजेंडा है। तो फिर मैंने तौबा की और अपने वापस ट्रैक पर आया। एक जुमला कहा मसीह शायर नज़ीर कैसर साहब, उसने एक गाना लिखा जो बाद में फिल्माया भी गया, उसका एक शेर है कि ना खुदा तू है और ना मैं फरिश्ता हूँ, जब दोनों इंसान हैं तो फिर हजाबों में क्यों मिले, ठीक है। और पाकिस्तान में सारे काम हजाब में होते हैं, हम यहाँ तकरीरें और करते हैं, घर में तकरीरें और करते हैं, हमें ना सच कहने का हौसला है ना सच सुनने का हौसला है, हमें तो तारीख ही उल्टी पढ़ाई जाती है, गलत पढ़ाई जाती है। जब हमारा बच्चा पढ़ता है किताब छठी सातवीं में, तो उसको बताया जाता है कि हम सो रहे थे और अचानक मकार दुश्मन ने 6 सितंबर को लाहौर पर हमला कर दिया, क्या ये सच है? सच ये है कि दुनिया, पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी और सारी हमने शुरू की। तो अजीज़ो, जब तक हम सच सुनने की हौसला नहीं रखेंगे, सच कहने का हौसला नहीं रखेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा।
मेरे बड़े मोहतरम दोस्त, बड़ी खुशी हुई ये बात ठीक कह रहे हैं कि पहले सिर्फ ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्लामाबाद होता था या ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान होता था। हाँ, मुझे नहीं पता इनके लीगल वर्थ क्या है, क्योंकि मैं इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ऑडिट डिपार्टमेंट में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों से गुजरती हैं। इस तरह पीर आजादा हाशमी साहब ने भी एक बनाई थी, ठीक है, और बाद में वो बहुत कुछ हुआ, 10,000 पर दें तो आप गाड़ी पर वो नीला हुडर लगा लें। तो कहने का मकसद ये है कि एनजीओस बनाना और काम है, उसको एक्टिवेट करना और काम है, और उसके समराज समेटना या इम्प्लीमेंटेशन करना और बात है। मैं क्योंकि ख़ुद भी एनजीओस का बंदा रहा हूँ, लीडरशिप पढ़ाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। अच्छा, ओके ओके, अच्छा ओके ओके। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि लीडर दो तरह का होता है, एक स्टेटमैन होता है और एक पॉलिटिशियन होता है। तारिक साहब, जो स्टेटमैन होता है वो अपने मफाद पीछे रखता है, अपनी ज़ात को पीछे रखता है, और वो कौम के मफाद को आगे रखता है, ठीक है। और जो पॉलिटिशियन होता है, वो चाहे किसी फिरके, किसी रंग, किसी मज़हब से हो, वो अपने मफाद आगे रखता है और कौम के मफाद पीछे रखता है। इसकी अगर हम मज़हब में मिसाल लें तो मौलाना और सूफ़ी में यही फ़र्क है, मौलाना अपनी ज़ात को प्रमोट करता है और सूफ़ी जो है वो अपने भेजने वाले को प्रमोट करता है। और आज आप देख लें, मसीह यस्सु ने कहा था कि तुम्हें जो बड़ा बनना चाहे वो सबसे छोटा बने। बाबा बुले शाह कहता है चल बुलिया हूँ उत्थे चलिए जिथे हूँ अकल दे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने। उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, जब एक मौलाना वफात पाता है तो बहुत जल्द लोग उसके इल्म को भूल जाते हैं, लेकिन एक सूफ़ी जो है उसके हज़ारों साल बाद भी, सदियों बाद भी उनके जो कब्र है उस पर लोग फातिहा पढ़ते हैं। यही मज़हब में बात है। आज आप देख लें अपने मजहबी लीडरशिप्स को, वो खुदा की मनादी नहीं कर रहे, खुदा का पैगाम नहीं पहुँचा रहे, वो अपनी मनादी कर रहे हैं कि मैं ये काम कहूँगा तो वो ठीक है, दूसरा कहेगा तो वो काफर है। जब हम खुदा की बात को आगे करेंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। तीसरी और आखिरी बात, बींग ए पाकिस्तानी, वो किसी भी कौम से है, किसी भी मज़हब से भी है, हमें एक बड़ा आसान सा काम किया है कि हमने हर बात को दूसरे को ऊपर डालना सीख लिया है। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की कैबिनेट ठीक नहीं है, मरकजी हुकूमत ठीक नहीं है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ठीक नहीं है, जस्टिस का निज़ाम जो है बैठ गया है, लेकिन मुझे आप ये बताएं हमारी एक्सेप्टेशन क्या है। सरकारी मुलाजम ये चाहता है कि तनख्वाह मेरी हर रोज़ बढ़े और काम हर रोज़ कम हो, मैं काम कोई ना करूं लेकिन मुझे सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक सब्ज़ी जो 100 रुपये मार्केट से आती है मंडी में, वो मोहल्ले तक पहुँचते 400 रुपये किलो हो जाती है, जिसमें से 200 रुपये वो रेडी वाला कमा रहा है, लेकिन गालियां वो प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है। पहले होता था कि लोग 10 रुपये की चीज़ लाकर 12 रुपये की सेल करते थे, आज 10 रुपये की लाकर 30 रुपये में सेल करते हैं। बींग ए पाकिस्तानी, बींग ए चेयरमैन बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, बींग ए आम फर्ज, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा पाकिस्तान से आप तवक्को ना करें। क्या मैं अपनी ज़रूरतें ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ? बींग ए बाप, बींग एक सरकारी मुलाजम, बींग ए मजहबी रहनुमा, क्या मैं अपने कॉलो फेल पे पूरा हूँ? क्या मैं पूरा टैक्स देता हूँ? जब आप किसी को कुछ देंगे तो कुछ किसी से कुछ लेंगे, वरना सोचने के लिए, कहने के लिए ये बातें बड़ी अच्छी हैं। वो जो बिशप साहब ने बताया है, अगर हम अपनी अमाल को देखें तो पाकिस्तान बहुत पहले ख़त्म हो जाता, लेकिन इसके पीछे कुछ फोर्सेस हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। कि आपने कहा कि हम भूखे लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया को हमने आगे लगाया हुआ, अगर हमारी लीडरशिप एक भी ठीक आ गई
तो यही मुल्क जो हमारे पीछे पीछे फिरेंगे, हमसे लोगों ने यूएनडीपी से वो लेके प्लान लेकर आज तरक्की कर गए हैं और हम पीछे चले गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लीडरशिप प्लांटेड है, ये खुद साख्ता लीडरशिप है, प्लांटेड लीडरशिप है। जब तक आप वहाँ पर सजदा नहीं करेंगे आपको उस मनसब तक नहीं पहुँचाया जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी हुई चेयरमैन साहब से मिल के, ये लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं और आपको सेल्फ मेड लोगों को प्रमोट करना चाहिए। मत देखें ये जाहो जलाल, मत देखें शान शौकत। पाकिस्तान को अगर आप हकीकी आज़ादी देना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास है आज़ादी, पुलिस किसी भी घर में घुस सकती है, आपके पास है आज़ादी कि आप एक ड्राइवर जो है वो किसी भी डीएसपी एसपी को सड़क पर रास्ते में गाड़ी खड़ी करके वो उसको गोली मार देता है। आपके पास आज़ादी है, आप अपनी लीडरशिप को गालियां निकालें, मुंह पे निकालें, जहां मर्जी जो करें, आप मादर पितर आज़ाद हैं। लेकिन जिस आज़ादी की मैं और आप बात कर रहे हैं कि कौमें हमें जाने कि हम पाकिस्तानी हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने खौल से आज़ाद होना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात से आज़ाद होना पड़ेगा, अपने नफ्स से आज़ादी चाहिए। तब मैं जाकर पाकिस्तान का एक अदना सा इकाई होते हुए, यूनिट होते हुए, एक से दो होंगे, दो से दस होंगे, दस से बीस होंगे, बीस से सौ होगा, फिर आस्ते आस्ते इसकी बात को चलेगा। और ये वही एटम वाला काम होगा, एक एटम आप तोड़ते हैं दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, और फिर ताकत संभाली नहीं जाती। ये आप प्री प्लान प्रोग्राम है कि भट्टो को आप पर मसलत किया गया कि तीसरी किस्म जो है ना, पहले ये थे एक अमीर होते थे और एक गरीब होता था, दोनों के दरमियान डिफरेंस था। उसने कहा कि तीसरी किस्म तैयार करो, उस सबसे पहले उसने ब्यूरोक्रेट का दरवाज़ा पाँव के ठोकर से खोला, उस दिन से ब्यूरोक्रेसी की इज्जत कही। अब ना हुक्म चलाने वाले पावर में है, ना हुक्म मानने वाले पावर में है, जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस। ये खुदा का कानून नहीं है, खुदा ने हमेशा अपनी कौम में लीडर पैदा किए हैं और वो करता रहता है। लेकिन आज हमारे लीडर चूँकि खुद साख्ता है, इसलिए पब्लिक आप उनको आगे करके पीछे से भाग जाती है, पब्लिक आगे होता है वो लीडर पीछे से भाग जाता है। जो खुद साख्ता नहीं है, खुदा ने उनको चुना है, वो लीडर आज भी कामयाब है। मैं बात को ख़त्म करते हुए कहूँगा कि आप खुदा से ये दुआ करें कि वो पाकिस्तान को अच्छी लीडरशिप दे, खुदा इस बात पर हमें तौफीक दे कि हमें पहचान दे। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि भेड़े जो है वो अपनी चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं, और चरवाहा अपनी भेड़ों की आवाज़ को पहचानता है, वो एक आवाज़ देता है सारी भेड़ियाँ उसके पीछे चली जाती। लीडर जो है वो लीडर का काम ये है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है, वो एक मोटिवेशन देता है, वो एक समत की निशानदेही करता है। जब तक आपके पास मोटिव नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मैं बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसका पूरी अपने बिहाफ पर, एग्जीक्यूटिव बॉडी के बिहाफ पर आपके साथ हम शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हम कुछ फॉर्मल मीटिंग्स करेंगे, हम आपको समझेंगे, आप हमें समझेंगे, ठीक है? तो क्योंकि दोनों मज़ाक में लिखा है कि जल्दी के काम शैतान के होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे दोस्तानों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बात है सर, ये बिशप काउंसिल की तरफ से जो आपने वेलकम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो हमारी ह्यूमन राइट है, सबसे पहले ये आपने आपने पल्ले की फ़कीरी है, इसमें किसी की कोई सरकारी तनख्वाह नहीं है, जो भी इसमें आता है उसने अपना पल्ला लगा के इंसानियत की खिदमत करनी है। ये यूनिटी के साथ ये याफे है, ये स्टूडेंट है, ये अपने घर से लेके आता है, अगर कहीं भी जाना है तो यूनिटी के साथ सबसे सब इकट्ठे होके, कोई सरकारी तनख्वाह नहीं है इस महकमे में ना, ये इंसानियत के लिए हमने खुद सिलसिला चेयरमैन की खिदमत से, याफे भाई, बिलाल भाई, हम चार पांच बंदों ने ना ये सिलसिला बनाया है कि यार ये इसमें इंसानियत की भलाई वाला सिलसिला है, तो ये कोई सरकारी तनख्वाह या इसमें कुछ भी नहीं है। तकीर साहब है, ये हमारे मेंबर बने हैं, इन्होंने अपने पल्ले से सारा सिलसिला करना है, जो भी करना है आपने बनना है, भाई ने बनना है, जिसने भी बनना है, अगर किसी को ज़रूरत है, ये भाई को ज़रूरत है, तो हम सामने पैसे लगा के इसके भले के लिए चलना है, इसके साथ अपने घर लेके नहीं जाने।
आपने पल्ले से लगाना है, तकीर साहब ने लगाना है, चेयरमैन साहब ने लगाना है, बिलाल भाई ने लगाना है, स्टूडेंट बचे हैं या फिर स्टूडेंट है, इसने पल्ले से लगाना है। ये 1000 लेके आएगा, मैं 500 लेके आऊँगा, तकीर साहब 10,000 देने दे सकते हैं, वो मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, 10,000 दे सकते हैं, वो अपनी तौफीकात के मुताबिक है, किसी ने भी जो भी देना है वो अपनी तौफीकात के, भलाई का सिलसिला है, इसमें किसी का कोई ज़ातियात नहीं है, ये भलाई के लिए है। तो एंड पे थोड़ा सा कलाम है सूफियाना, फानी फना दा जागे सदा जीवना नहीं, बिन जात हक दे डस पिया जे को फना नहीं, समझ तू जिंदगी दा भरोसा जरा नहीं, दारे फना ते दिल का लगाना रवा नहीं, सुट माल व मुल्कां दे सहवाली टुर गए, आए भी हथों खाली टुर गए, गुजरियां जमाने ते बहु मगरूर हस्तियां, बंतां जोड़ दिखाइयां अजब जबरदस्तियां, बर्बाद कीते मुलक शहर सह वस्तियां, आहर मिटाइयां मौत ने हर एक दियां मस्तियां, चुप है उन्हां दे जोड़ ना जबरां दे रह गए, मिट गए निशान जग दे ना कबरां दे रह गए, दारे जहां ते शौकत शहाना गट गई, दाऊद दे पिसर दी सुलेमानी गट गई, लुकमान दी ओ हिकमत यूनानी गट गई, रुस्तम जे पहलवान दी पहलवानी गट गई, पैक अजल ने जोर कहीं दा ना छोड़िया, शाहो गदा को इत्थे मौत जींदा ना छोड़िया, सब चंद रोज दुनिया ते रह के चले गए, कई मस्त हक परस्त कलंदर चले गए, मन मौत अबदी जग तो सिकंदर चले गए, 124,000 पैगंबर चले गए, फानी उमरां ते जोर कहीं दा ना चल संगया, टुरिया जो इस जहान तो वत वल ना संगया, हे मौत वाला सिलसिला जारी दहर उते, अज मेंढे सर उते कल तेंडे सर उते, पिछले बरस तो अज ताई दिल विच शुमार कर, कितने अजीज टुर गए नी संगतां गुजार कर, मिट्टी दे नाल मिल गईयां क्या सोनिया सूरतां, बुल सन्ना जींदियां ताई मन मोरियां मूरतां, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कलाम पेश किया। इसके बाद सजाद अली भट्ट साहब जो है, जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के पंजाब के चेयरमैन हैं, उनको दावत देते हैं कि वो बिशप तौकीर इलाही गिल साहब की मखसूसियत करें लाहौर के जो है वो चेयरमैन के तौर पर। थैंक यू सो मच सर। देखे आजाद तुझे हम देखे